अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल निसा छठा पारा और आयत नंबर 159। वइन मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा وأخذهم الربا فقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो इस कायनात का बनाने वाला और इस कायनात का हकीकी फरमानवा और मालिक है। और दुरूद सलाम प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बनाकर भेजा। कुरान करीम की इन आयात मुबारक के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक यहूद के मुतल्लिक एक चार्जशीट जो पिछली चंद आयात मुबारक से चली आ रही है उसका कुछ ततिम्मा और तिकमला जो है वो आज हम आपके सामने बयान करेंगे। पिछली आयत के अंदर आपने देखा कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का इजहार किया कि भी अगर आप सच्चे पैगंबर और रसूल हैं तो क्यों नहीं हमारे कबीले के हर आदमी के नाम पर किताब नाजिल हो जाए, हम खुद से पढ़ लें और देख लें और आपकी नबूवत और रिसालत को मान लें। उसके जवाब में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने खुद ही फरमा दिया कि बेवकूफ लोग, आपसे तो किताब उतारने की बात करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से तो इन्होंने अल्लाह को बराह रास्त अपने सर की आंखों से देखने का इजहार किया। ये बात नहीं है कि ये बात इनकी समझ के अंदर नहीं आती। ये उल्टी खोपड़ी के लोग हर मामले के अंदर दौंस और दांधली और अपनी मर्जी करने के आदी हैं। बात न मानने के हजारों नहीं लाखों बहाने इनके पास हैं। अगर हम इन किताब पर इनकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक किताब नाजिल कर दें तो फिर इस बात की क्या जमानत है कि ये ईमान ले आएंगे। मोजिज़ा देखकर ईमान लाना ये भी इनकी आदत नहीं। इससे बड़ा क्या मोजिज़ा हो सकता है कि समुंदर ने इनके लिए अपना सीना खोल के रख दिया और ठाठे मारता हुआ समुंदर एक तरफ रुक गया। 12 कबीलों के लिए अल्लाह वहदहु ला शरीक ने समुंदर में से इनके लिए खुशकी में से रास्ता निकाला और ये वही समुंदर नहीं है कि जब फिरौन ने अपने कदम उसके अंदर डाले और अपने लश्कर के साथ मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का पीछा करने की कोशिश की। खुशकी के लिए अपने दामन को खोलने वाला समुंदर फिर से ठाठे मारने लग गया और फिरौन और उसकी कौम को गरक करके रख दिया। इतना बड़ा मोजिज़ा और इतनी बड़ी निशानी देखने के बावजूद ये ईमान नहीं लाए। और क्या यह मामूली बात थी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने पत्थरों में से सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के एक जरब लगाने से हर कबीले के लिए अलग अलग पानी का चश्मा इनके लिए निकाल दिया। पानी पीते थे, निशानियां देखते थे, फिर भी दिल की गहराइयों से अल्लाह वहदहू ला शरीक की जलालत के, उसके मर्तबे और मुकाम की और हैसियत का एतराफ नहीं करते। और कल ही की बात है कि सहरा के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मनसलवा जैसा अजीम तरीन खाना इनकी मेहमान नवाजी के लिए उतारा। और जब भी इन्हें मौका मिला कि सामरी ने जेवरा से एक बछड़ा क्या बना दिया कि उसे ही खुदा बना बैठे, उसे माबूद मान लिया और उसके सामने माथा टेकने लग गए। अनगिनत अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने एहसानात और अपनी करम नवाजियों और मेहरबानी और इनायतें और अपने फजल की जो बातें हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने पूरे कुरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हवालाजात के साथ और मुख्तलिफ कैफियतों के साथ अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उम्मत मुस्लिमा को बताया। और यहां भी अल्लाह कह रहे हैं कि आपकी निशानियां देख चुके, आपको मान चुके, और आपको क्या मानना। इन्हीं की मिल्लत के एक पैगंबर, इन्हीं की किताब का यादा और इन्हीं की शरीयत की दोहराई के लिए एक पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने भिजवाए। बजाय इसके कि उनकी जलालत का और उनके इल्म का और उनकी बेसत का और उनकी रिसालत का और उनके मर्तबे और मुकाम और हैसियत का ये लोग एतराफ करते, उल्टा उनकी जात पर हत्ता कि उनकी वालिदा माजिदा मरियम अलैहिस्सलाम की जात अक़दस पर कीचड़ उछालने लग गए। जुर्म उनका सिर्फ यही था कि तौरात के अंदर जो तब्दीलियां और इन्हिराफात और जो मुशगाफियां और जिसको दीन बना रखा था उसकी इस्लाह के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। वो दीने ईसवी मूसवी पर ही थे और वही शरीयत थी और उसी के यादे के लिए और उसी के तज़कीर के लिए और उसी की तस्हीह के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उन्हें भिजवाया। ऐसे उनके दुश्मन बन गए कि उनके कत्ल के दरपय हो गए। वो तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने खास करम और फजल किया अपने बंदे ईसा अलैहिस्सलाम पर कि चुगली खाने वाला और जासूसी करने वाला वो मारा गया और उसी को मारने के बाद डंडोरा पीटने लग गया और ऐलान करने लग गया कि ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्ला हमने सूली चढ़ा दिया है। अब जहान से उनको पाक कर दिया है। अल्लाह फरमाते कि ऐसी बात नहीं, वो तो हम अपने पास ले गए, हमारा बंदा था, हम उसके पुश्तीबान और उसके निगरान थे। बात उन पर खलत मलत हो गई, बात कोई और थी, ये समझ कुछ और बैठे। ये तो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को भी मानने वाले नहीं थे, उनकी नबूवत और रिसालत का भी इकरार करने वाले नहीं थे। उनकी हकानियत की तमाम तर निशानियां देखने के बावजूद इनके दिल नहीं पसीजे, इनके दिमाग ठिकाने नहीं आए और इनके दिलों ने इस्लाम को और दीन को कबूल नहीं किया। लेकिन बहरहाल इन आयात मुबारक के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक फरमा रहे हैं कि यहूद ने बेशुमार चीजें उन पर हराम नहीं थी, उनकी अपनी कोताहियों की वजह से, गलतियों की वजह से हराम हो गई। और जब जाहिर है कि बाल की खाल उतारने वाले, सवाल पर सवाल धरने वाले, और गाय के किस्से में आप बड़ी अच्छी तरह देख चुके हैं कि रंग कैसा है, शक्ल कैसी हो, कदकाट क्या हो, हरकत और सकानात क्या हो और उनके औसाफ क्या हों, यानी सीधे साधे मसले को इतना उलझा दिया कि दुनिया के अंदर सवाए एक गाय के कोई और गाय भी नहीं थी। और अल्लाह ने फरमाया कि देखो ये तो बात है दीनदारी के हवाले से, और दुनिया के एतबार से देख लें कि हमने इनकी किताब के अंदर हुक्म नाजिल किया कि देखो किसी का माल नाजायज जरिए से नहीं खाना, माल हथियाना नहीं है, किसी को माली तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाना, आपस के अंदर सूद नहीं खाना। नतीजा क्या निकला कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, आजकल तो मुसलमान भी किसी से पीछे नहीं है, नाम निहाद मुसलमानों की बात कर रहा हूं, हिंदू बनिए का हम बार बार नाम लेते हैं, वो भी किसी से पीछे नहीं है, एक ही नस्ल से दोनों ताल्लुक रखते हैं, यहूदो हनूद। के सूद खाना कि चंद टके जिसके पास आ गए, हाथ पर हाथ धरे, घर बैठा लोगों का खून चूसता रहता है और उनका दिमाग हर वक्त पैसा कमाने पर, पैसा बनाने पर, रुपया बटोरने पर, दूसरों का इस्तेहसाल करने पर मंसूबे बनाता रहता। और आज भी देख लीजिए, इंफिरादी एतबार से भी देख लीजिए कि यहूद ने अफराद को भी शिकंजे के अंदर लिया हुआ है, अकवाम और मिलल और मुल्कों को भी कभी वर्ल्ड बैंक के नाम पर, कभी किसी और इदारे के नाम पर मुल्कों के मुल्क उन्होंने गिरवी रखे हुए, लोगों की जरूरियात से, उनकी मजबूरियों से, उनके हालात से, उनकी परेशानियों से नाजायज फायदा उठाते हैं। और फिर बदमाशी की इंतहा देखिए कि पैसे देते हैं, ढेरों सूद भी लेते हैं, और फिर इसके साथ साथ मुल्कों का निजाम, उनका सियासी निजाम भी बिगाड़ते हैं, इक्तिसादी निजाम भी बिगाड़ते हैं, उनकी समाजी और अखलाकी कदरें भी तहस नहस करते हैं और अपनी मर्जी के कवानीन उन मुल्कों के अंदर लागू करते। इसीलिए अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि देखिए सूद खाना और सूदी कारोबार करना दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग है। मुसलमानों को खास तौर पर मना किया कि देखो अगर तुम्हारे पास 4 पैसे हैं, उसका माना ये नहीं है कि तुम दूसरों का इस्तेहसाल करो, दूसरों का खून न छोड़ो, और नहीं तुम्हें इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि इंसानों के साथ तुम जानवरों जैसा रवैया अपनाओ। अल्लाह ने तुम्हें दौलत देकर आजमाया है कि अपने गरीब भाइयों को, अपने अजीजों अकारब को और मुआशरे के पसमानदा तबके को भी तुम अपना भाई समझो, अपना अजीज समझो, अपना साथी समझो और उन्हें अपने माल के अंदर शामिल करो। कभी ज़कात की शक्ल के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने एक इजबारी हुक्म फरमाया कि तुमसे ये रुपया लिया ही जाएगा, और फिर कुरान करीम के अंदर और अहादीस मुबारक के अंदर इंसानी जज्बात को और एहसासात को उजागर करने के लिए, जन्नत की नवीद बताने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के हसूल का जरिया, लोगों की मोहब्बत हासिल करने का तरीका जो है वो माल के खर्च करने को बताया कि इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तम्र, कि तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करना। और फिर अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बेशुमार सिफतों के साथ ये बात बताई कि तुम अगर अल्लाह की जात के लिए, उसकी रजा के लिए माल खर्च करते हो तो अल्लाह की बेपाया मोहब्बतें और इनायतें तुम्हारे ऊपर साया फगन होंगी। अगर तुम माल के अंदर बरकत चाहते हो, उम्र के अंदर इजाफा चाहते हो तो सिला रहमी करो, गरीबों को खाना खिलाओ, मोहताजों और यतीमों का ख्याल रखो। अल्लाह ने फरमाया कि ये आप पर ईमान नहीं लाएंगे, ये बेईमानी और ठगी और बेईमानी और बददियानती और झगड़े के अंदर और इनकार के अंदर बहुत आगे बढ़े हुए, लेकिन कुछ लोग यकीनन ऐसे हैं कि इनके अंदर भी अरवाह कुदसिया, नेक और साले लोग, समझदार अच्छे लोग अब्दुल्ला बिन सलाम और दीगर असहाब की तरह भी हैं। खैर की रमा कभी इनमें बाकी है, सारा शर नहीं है, खुशबू आ रही है। कुछ लोग आपकी सदाकत को मानने वाले हैं, आपकी हक्कानियत पर ईमान लाने वाले हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनकी किताबों पर भी ईमान लाए। आपकी सच्चाइयाँ और आपकी सदाकतें और शहादतें देखकर आपको सच्चा पैगंबर और रसूल मानते हैं और आप पर ईमान लाने वाले हैं। और न सिर्फ ईमान लाने वाले बल्कि अल्लाह के रास्ते के अंदर नमाजें कायम करने वाले और ज़कात देने वाले और आखरत पर ईमान रखने वाले। चूंकि ये लोग पहले पैगंबरों पर भी, पहली शरीयतों पर भी ईमान लाए थे और आप पर भी ईमान ला रहे हैं, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने देरों अजर दे। और फिर अल्लाह कहते हैं कि आप कोई अनोखे पैगंबर और रसूल नहीं। आपसे पहले अनगिनत अंबिया किराम कि जिनका कोई जिक्र कहीं मूसा अलैहिस्सलाम का है, कहीं ईसा का है, कहीं दाऊद का है, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, कहीं आदम का है, कहीं इदरीस का है और कभी यूनुस का है। कुछ अंबिया किराम का तो हम जिक्र करते हैं और कुछ अंबिया किराम का हम जिक्र नहीं करते, लेकिन सारे के सारे पैगंबर जो हैं वो अल्लाह की तरफ से आए थे। और कुछ अंबिया किराम को दूसरे अंबिया किराम पर बाज़ मुआमलात के अंदर और बाज़ इम्तियाजात के अंदर हमने एक मरतबा और मुकाम और हैसियत दी थी। अब देखिए तर्जमे के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक क्या फरमाते हैं, व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन बिही क़ब्ल मौतिह। अहले किताब यकीनन आखिरी वक्त नज़ा के आलम के अंदर भी इनको ये बात दिखाई जाएगी, अल्लाह के पैगंबर सच्चे, ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, लेकिन उस वक्त उनकी सच्चाई का इकरार करना तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगा। बहरहाल अल्लाह वहदहू ला शरीक आखिरी वक्त के अंदर यकीनन हर मरने वाले को हकीकत बता देते हैं और दिखा देते हैं, और कोई भी आदमी उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो असल हकीकत को ना पहचान ले। लेकिन अल्लाह ने ईमान जो मोतबर है, जो तस्लीम शुदा है, जो फायदा देने वाला है, वो नज़ा के आलम के पहले का एतराफ़ है। अगर नज़ा का आलम तारी हो गया और फिर तुमने कोई बात मान ली, उसका कोई फायदा नहीं। उसकी जिंदा मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर फ़िरौन ने बरमला कहा था कि मैं अल्लाह पर ईमान लाने वाला हूँ, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाने वाला हूँ, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया कि अब तमाम तर हकीकतें और हक्कानियतें देखने के बाद अल्आन वक़द हससल हक़, अब बात नहीं बनी, अब मामला खत्म हो गया। अब जो तुम्हारा एक इख्तियार था कि अपने इख्तियार के साथ तुम ईमान लाते तो यकीनन हम तुम्हारे इख्तियार पर ईमान लाने को हम मोतबर समझते, तुम्हारी पिछली गलतियों और कोताहियों से दरगुदर फरमाते और शायद हम तुम्हें बख्शते। लेकिन अब ये फैसला हम कर चुके हैं कि नज़ा के आलम से पहले पहले अगर कोई बात होगी तो वो मोतबर होगी। जब जान हुलकूम के अंदर फंस जाए और दमे वापसी हो तो उस वक़्त कोई बात तस्लीम नहीं की जाए। तुम्हारी गलतियों पर, तुम्हारी ज्यादतियों और बदमाशियों और कोताहियों के बिना पर कुछ चीजें तुम्हारे ऊपर जो हलाल थी वो हराम कर दी। वह बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, और तुम अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले थे। वह अख्दिहुमुर रिबा, और तुम वही लोग हो ना सूद खाने वाले। वक़द नहू अन्हु, मना किया था तुम्हें। वअकलहुम अमवाल अन्नास बिल बातिल, आपस के अंदर एक दूसरे का माल खाना, इससे हमने तुम्हें मना फरमाया था। वअअतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और तुम जैसे बेईमान और इनकार करने वाले और ठुकराने और झुटलाने वालों के लिए हमने बड़ा दर्दनाक अज़ाब जो है वो तैयार कर रखा। लाकिन अर्रासिखून फिल इल्म, लेकिन ईमान के अंदर, अकीदे के अंदर, नजरिए के अंदर पुख्ता लोग जो हकीकतों को और हकायक को जानने वाले और पहचानने वाले हैं। वल्मुमिनून, ईमान लाने वाले। युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, आप पर कुरान नाजिल हुआ, आपकी रिसालत को और आपकी नबूवत को अपने दिलो जान की गहराई में तस्लीम करते हैं। वल्मुमिनून युमिनून बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्ल का, और आपसे पहले भी जो कुछ नाजिल हुआ उसको तस्लीम करने वाले थे, उसको मानने वाले थे। वल मुकीमीन सलात, नमाजें पढ़ने वाले, नमाजें कायम करने वाले। वल मुतून ज़कात, हराम खाने वाले नहीं बल्कि जेब से पैसे खर्च करने वाले, ठगी नहीं करने वाले, बेईमानी नहीं करने वाले, इस्तेहसाल नहीं करने वाले, बल्कि ईसार और कुर्बानी करने वाले और अपनी जेब से अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करने वाले और ज़कात देने वाले। वल्मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान लाने वाले और क़यामत को मानने वाले के अल्लाह के सामने खड़े होना है। माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, जिंदगी कहाँ कहाँ गुजारी और क्या क्या कारनामे किए, अपनी सुबह और अपनी शामें, उसका एक एहसास उनके दिल और दिमाग के अंदर था कि अल्लाह के हाँ जवाबदेही का एहसास है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, इसलिए उनके मामूलात और मामलात दुरुस्त हिम्मत के अंदर चल रहे। उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा, हम तो इन्हें ढेरों अजर देंगे, सवाब से माला माल कर देंगे, इनके दामन को नेकियों से भर देंगे और अल्लाह वहदहु ला शरीक क़यामत के दिन अपने फजल खास से जन्नत के अंदर जगह देंगे और अपना दीदार कराएंगे और हर तरह की नेमतें इनकी मुंतज़र होंगी। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, आपकी तरफ हम वही करते हैं और ये हमारा वही करना इंसानों की तरफ कोई नई बात नहीं। कल हमने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और उनके बाद अनगिनत अंबियाए किराम, एक एक वक्त के अंदर दसियों बीसियों सैकड़ों अंबियाए किराम एक एक बस्ती के अंदर, एक एक इलाके के अंदर और एक एक वक्त के अंदर अल्लाह कहते कि हमने भिजवाए और उन पर वही नाज़िल। वऔहैना इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान, ये अल्लाह वहदहु ला शरीक ने पैगंबरों के नाम गिनवाए। लेकिन इसमें एक बात मंजूर खातिर रहे कि ना तो ये तरतीब जमानी के एतबार से है और ना इसका कोई तारीखी एतबार। आप देखिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम से पहले आए और आप जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम थे और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान एक लंबा फासला है। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक और उनका नाम पहले आया, हजरत हारून का बाद के अंदर आया। तो इसका माना यह है कि ना तो वक्त का ख्याल किया गया है, न तारीख का ख्याल किया गया है और न तरतीब का कोई एहतमाम किया गया। सिर्फ एक बात बतानी थी कि ये लोग आपसे पहले पैगंबर बन के आए और अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की। व सुलेमान व दाऊद व आतैना दाऊद ज़बूरा, ईसा अलैहिस्सलाम की किताब का जिक्र नहीं किया लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह के साथ मुनाजात और दुआएं हैं, बेहतरीन किताब है, उसका जिक्र फरमाए। वरुसुलन कद कससनाहुम अलैका मिन कब्ल, कुछ अंबिया इकराम का हम आपको जिक्र बता चुके, उनका जिक्र खैर हो चुका। वरुसुलन लम नक्सुसहुम, और कुछ पैगंबरों का हमने जिक्र ही नहीं किया। अब ये तो बात जानते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने 1 लाख से ज्यादा अंबिया इकराम इस कायनात के अंदर महबूस फरमाए और कुरान करीम के अंदर तो 2 दर्जन से ज्यादा अंबिया इकराम का जिक्र नहीं है। तो अल्लाह उसी बात का इरादा फरमाने कि कुछ अंबिया किराम का मौके महल की मुनासबत से जहां जरूरत आई हमने उनका जिक्र किया और बाद की जरूरत को हमने पेश नजर नहीं रखा और उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन वो पैगंबर थे, उन पर वही नाजिल होती थी। वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुंदिरीन, अंबिया किराम की जिम्मेदारी ये थी कि अल्लाह की मोहब्बतें और उसकी बशारतें और जन्नत की बातें उनको बताएं। वह मुनज़िरीन, और अल्लाह का डरावा और अल्लाह का खौफ और अल्लाह की जहन्नम और उसके अजाब और उनकी अकसाम चुने डराएं। लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बादर रुसूल, ताकि लोगों के लिए अंबिया किराम के आने के बाद कोई हुज्जत और दलील बाकी न रहे। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह जब चाहे जिस वक्त चाहे किसी भी कौम को पकड़ सकता है। हकीमन, अगर अल्लाह नहीं पकड़ता तो ये उसकी हिकमत का तकाजा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।